हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल श्रीजी इंश्योर, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और हर उस टॉपिक के बारे में जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है। आज के दौर में सेविंग्स करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सैलरी कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता यार। यहां तक कि मंथ एंड में हम लोग अपने पसंद की कोई चीज खरीद भी नहीं सकते, और इसकी सिंपल सी वजह है खराब मनी मैनेजमेंट। बट क्या आपको पता है कि कुछ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देके एंड विद फ्यू स्मार्ट स्ट्रेटजीज हम सेविंग्स कर सकते हैं और अपनी लाइफ बेहतर भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन टिप्स को जो आपको सेविंग करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले सेट अप बजट। बजट सेट करना और फिर उसके अकॉर्डिंग मनी स्पेंड करना सेविंग का सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक्चुअल में होता क्या है ना कि पैसा आने पर हम उसे डायरेक्ट अपने खर्चों के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कुछ काम तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं बट कुछ काम हो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से महीने के स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चलता है लेकिन मंथ एंड में हम कुछ खरीदने में स्ट्रगल करते हैं। अगर हमारे पास पहले से ही एक बजट हो कि कितना पैसा कहाँ लगाना है तो हमारा पूरा मंथ बैलेंस्ड रहेगा और पैसा भी सेव हो पाएगा। दूसरी चीज, ट्रैक योर स्पेंडिंग। अगर हम अपने खर्चों को ट्रैक कर पाए तो इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, और हमें सेविंग्स करने के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। आज 2023 में काफी सारे फ्री एप्स और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आपको आपका पैसा ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो एप्स कौन सी हैं तो वीडियो को देख लेने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उन एप्स के बारे में जरूर बताएंगे। थर्ड, इम्पल्स बाइंग से बचें। अब यार इम्पल्स बाइंग क्या होता है? देखो होता क्या है ना, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी और काम से जाते हैं और कुछ और ही खरीद कर घर ले आते हैं। बाजार में दिखने वाली हर सुंदर चीज को खरीदने का मन करता है और आप उसे खरीद लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर आप भी बिना कुछ प्लानिंग के चीज खरीदते हैं तो आपको इसे रोकना होगा। जब तक कोई चीज बहुत जरूरी ना हो तब तक उसे ना खरीदें। ऐसा करने से आप मनी सेव कर पाएंगे। फोर्थ वन, यूज डेबिट कार्ड नॉट क्रेडिट कार्ड। देखो यार सिंपल सी बात है, हाई इंटरेस्ट रेट वाले डेट जैसे क्रेडिट कार्ड आपकी पॉकेट को खाली करते रहते हैं। यार क्रेडिट कार्ड का यूज करके हम लोग वो खर्चे भी करने लगते हैं जिसे हम एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो सोचो, अगर आपका डेबिट कार्ड आपको कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए अलाउ करता है, इट मीन्स आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। इससे होता यह है कि आप उतना ही बाय करते हैं जितना आप कर सकते हैं। कूल? सो आज से ही डेबिट कार्ड यूज करना स्टार्ट कर दो और क्रेडिट कार्ड को कम से कम यूज करो। फिफ्थ पॉइंट, खर्चीले लोगों से दूरी बनाए रखें। देखो यार आज की सोसाइटी में हम लोगों के खर्चे इस बात पर भी डिपेंड होते हैं कि हमारे साथ वाले लोग कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आपका दोस्त आपके साथ रहता है और उसे ज्यादा खर्च करने की आदत है तो आपको भी खर्च करना ही पड़ता है। ऐसा करते करते आपको पता नहीं चलता और आप लाइफ में बिना सेविंग्स के ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जब जरूरत होती है तब आपके पास पैसा ही नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट, रीड मनी मैनेजमेंट बुक्स। दोस्तों आप जैसा पढ़ते हैं आप वैसा ही बनते हैं। अच्छी किताबें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सुधार ला सकती हैं। आज मनी मैनेजमेंट पर भी हजारों बुक मार्केट में अवेलेबल है जिन्हें रीड करके आप अपने पैसों को सही से मैनेज कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी कुछ इजी एंड इफेक्टिव टिप्स जिन्हें इंप्लीमेंट करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं और अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं। दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेविंग मनी एक हैबिट है और इस हैबिट को डेवलप करने में टाइम और एफर्ट्स दोनों लगते हैं। आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए और कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि आप भी सेविंग्स करने वाले पर्सन बन चुके हैं और अब आपको अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्राई करके तो देखो यार, अच्छा लगेगा। और सेविंग्स की ही तरह आई एम श्योर कि ये वीडियो भी आपको अच्छी ही लगी होगी। तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में, बातें करते हैं। मैं आपके सवालों का इंतजार करूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो, हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।